नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमिक्स मेनिया पर। तो आज इस पार्सल की अनबॉक्सिंग करते हैं। पार्सल तो खैर मैं जाकर ही लेकर आया था अपने सेलर के पास से। इसके साथ एक स्टोरी है, मैंने बुक किया था खजाना का ग्लोसी सीई, पर हमारे सेलर के पास वो अवेलेबल नहीं हुआ, तो मेरे को ये वाला अवेलेबल हुआ तो लेना पड़ा ये वाला सी, जो कि है प्रीमियम वाला। अब जरा देख लेते हैं इसको। तो ये वो आर्ट है जो कि संजय गुप्ता साहब अपने सीई के लिए लेकर आए थे। एक बार स्पाइन देख लीजिए, संपूर्ण खजाना, ये बैक कार्ड, ये सारी वही आर्ट है जो संजय गुप्ता जी अपने सी के लिए लेकर आए थे। इस पर कहीं प्राइस मेंशन नहीं है। जरा इस श्रिंक रैप को हटाकर फिर अच्छे से कॉमिक्स देखते हैं दोस्तों। तो मैंने श्रिंक रैप को ऐसे काट दिया है ताकि मैं इसको एज इट इज यूज कर सकूं। एक बार देखते हैं कि निकलता है कि नहीं। श्रिंक रैप अच्छे से नहीं कटा था तो मैंने अब उसको हटा दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप लेना कुछ चाहते हैं और आपको लेना पड़ता है कोई दूसरा प्रोडक्ट। मेरे को ये जो पैडिड वाला कंसेप्ट है ना, ये ज्यादा पसंद नहीं है और मेरे पास पैडिड वाला हिस्सी ही आ गया है। चलो देखते हैं अभी दोस्तों क्या ही कर सकते हैं। मैंने ग्लोसी बुक किया था, मेरे को ग्लोसी वाला चाहिए था। है तो खैर ये ग्लोसी में ही, पर ये पैडेड एडिशन है ना, ये मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, पर फिर भी मेरे को वो ही मिला है। खैर जो अब मिल गया है उसी को देखते हैं। अच्छा यहाँ पर ये टेपिंग कर रखी है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, फिर देखते हैं आराम से। टेपिंग वाला मैंने हटा दिया। हर चीज का कुछ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होता ही है। खैर ये देखिए, ये गोल्ड गिल्डेड है, यहाँ पर बुक मार्क है। एक बार मैं बाइंडिंग चेक कर लेता हूँ दोस्तों, फिर आगे रिव्यू बताता हूँ इसका। तो दोस्तों बाइंडिंग वगैरह मैंने चेक कर ली है, बाइंडिंग वगैरह में कोई इश्यू नहीं है। अब एक बार आपको फिर से शुरू से दिखाते हैं। तो भाई जी साहब, इसमें क्या है, ये आपका है पैडेड एडिशन। इसमें जो आप समझिए होंगे, इसमें जो फोम टाइप लगाई होती है, ये अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे को इतनी खास पसंद नहीं है, पर मेरे को मिली है तो क्या करें। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक तो ये जो कॉर्नर पे गोल्ड कॉर्नर लगाए गए हैं, ये अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ये बुक मार्क है जो हमारे स्लिप केस पे था, वो यहीं पे यूज किया गया है। ये हमारा ओनिडा वाला राक्षस, जो बचपन में वाले हैं जिन्होंने बचपन में पढ़ी थी उनको पता है ये राक्षस ओनिडा के एड में आता था, उसको यूज किया गया है। ये पेजेस काफी अच्छे हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यूज किए गए हैं। फिर आपको पता ही है पांच कॉमिक्स थी इसमें। फर्स्ट थी शाकुरा का चक्रव्यूह, ग्लॉसी पेजेस हैं, मेटालिक मेरे को इतने खास पसंद नहीं, तो कम से कम ये है कि ग्लॉसी है, चलो ठीक है, वरना मेरे को नॉर्मल एडिशन चाहिए था। पहली कॉमिक्स साकुरा का चक्रव्यूह, प्रिंटिंग वगैरह अच्छी है, थोड़ा बिग साइज है। हालांकि मेरे पास पहले मनोज गुप्ता वाला सी था जो कि मैंने बेच दिया था इसके लिए। थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से मेरे को उसको बेच के और ये लेने में आई थिंक 300-400 रुपये ओवर खर्च हो गए। चलो खैर कोई इश्यू नहीं, अगर आपके पास वो है और आप ये लेने की सोच रहे हैं तो आप ना भी लें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हल्का सा साइज बड़ा है, बाकी सेम ही है ये, क्योंकि मैंने देखा है कुछ दोस्त अब उनको 500-500 रुपये में बेच रहे हैं मनोज गुप्ता वाले एडिशन को, और फिर इसमें और ऐड करके ले रहे हैं। आप मत कीजिए, रखिए उसको,
कोई इशू नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा बिग साइज में है, प्रिंटिंग उसकी भी अच्छी थी, इसकी भी अच्छी है। फिर नेक्स्ट जहर, शाकुरा के चक्रव्यूह के बाद नागराज का अंत। पहले शाकुरा का चक्रव्यूह, फिर नागराज का अंत, और उसकी नेक्स्ट थी जहर। प्रिंटिंग ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। एक बार जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं अगली कॉमिक्स। फिर नागपाशा, कवर पेजेस कॉमिक्स के साथ साथ देकर एंड में दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ी डार्क प्रिंटिंग है नागपाशा में, ग्लॉसी अच्छी लगती है, ये देखिए। फिर नागपाशा, ये तो खैर बहुत पुरानी सीरीज आपने पढ़ रखी है। खजाना लास्ट कॉमिक्स, जिसके लिए इसको संपूर्ण खजाना बोला गया था। खजाना कॉमिक्स की प्रिंटिंग में हल्की सी गड़बड़ सी है दोस्तों, कुछ ज्यादा डार्क लग रही है खजाना। शुरू में जो थी वो मस्त क्वालिटी है, जैसे शाकुरा का चक्रव्यूह में, खजाना हल्की सी डार्क लग रही है, पर फिर भी अच्छी है, कुछ ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। फिर एंड में ये कवर एड डिटेल्स के साथ, ये एक और कवर, ये बिल्कुल ही डल आया है इसमें एड। मेरे पास ये सेपरेट कॉमिक्स रखी है मनोज गुप्ता वाली, उसकी क्वालिटी ज्यादा जबरदस्त है इस कवर की। यहाँ पे इस कवर को अच्छे से रिक्रिएट नहीं किया गया है, बाकी कॉमिक्स के जो कवर हैं वो भी हल्के से डल है, थोड़ी डार्क प्रिंटिंग होनी चाहिए, कहीं जगह डार्क है कहीं जगह डल है। ये कवर ठीक है शाकुरा का चक्रव्यूह का, नागराज का अंत हल्का सा डल है, जहर का ठीक है, नागपाशा का काफी फीका फीका सा, खजाना का भी, और ये तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा एक तरह से। फिर ये एक्स्ट्रा पेज जो कि पुराने खजाना सी में भी आई थी, ये एक्स्ट्रा पेज जो कि बाइंडिंग को मजबूत करने के लिए पेज यूज किया गया है, ये एक अच्छी चीज है। और देखिए दोस्तों, मूल्य 1200 विद स्लिप केस। तो जहां तक मेरे को पता है, बगैर स्लिप केस का सीई आई थिंक 800 900 के लगभग है, शायद 800 850, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने पुरानी प्री बुकिंग की थी जो कि खैर मेरे को मिला नहीं, और मेरे को ये स्लिप केस वाला एडिशन लेना पड़ा। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इसकी बजाय, मैं वही अभी फ्री भी कहूंगा, बगैर स्लिप केस वाला ग्लॉसी सी लेना आप, और अगर आप डाइजेस्ट लेते तो वो सबसे अच्छा डिसीजन होगा आपका। ये स्लिप केस की क्वालिटी ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, ये एमडीएफ होगा, गत्ता नहीं होगा। तो वो आपकी चॉइस है, अगर आपको स्लिप केस के साथ चाहिए या बगैर स्लिप के साथ। अगर आप 400 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं स्लिप केस के लिए और गोल्डिंग गिल्डिंग के लिए, तो आप लीजिए, और अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस माने देन गो फॉर डाइजेस्ट। मैं सोच रहा हूं कि शायद डाइजेस्ट में ले ही लूं, पर मेरे पास इस सीरीज के काफी सारे एडिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। खैर देखते हैं, अभी तो नहीं लूंगा, देखते हैं 2-3 महीने बाद अगर मन हुआ तो लेंगे, वरना ये अब हमारे पास है ही। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।